इस हफ्ते कपिल शर्मा के शो में सिंगर उदित नारायण आएंगे। उदित नारायण के साथ उनकी पत्नी दीपा नारायण और उनके बेटे आदित्य नारायण भी होंगे। शो में तीनों परिवार से जुड़ी कुछ मजेदार बातें बताएंगे। सोनी चैनल ने शो से जुड़ा एक प्रोमो शेयर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में कपिल ने आदित्य से एक पर्सनल सवाल भी पूछा। कपिल ने आदित्य से पूछा कि कभी ऐसा होता है कि आप अपने गर्लफ्रेंड्स को पेरेंट्स से मिलाने के लिए घर लाए और वो आपके पिता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हो? तो ये सवाल सुनते ही आदित्य ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार कॉलेज के दिनों में वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आए। आदित्य ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था। उस वक्त माँ अपने घर के काम में बिजी थी। मैंने सोचा कि पापा हाय हेलो करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदित्य ने बताया कि उनके पिता उनके साथ बैठे रहे और बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए गर्लफ्रेंड से कहा कि मेरा बेटा जवान हो गया है। इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड पापा का ऑटोग्राफ लेकर चली गई, या फिर शायद शर्मिंदा होकर चली गई। इसके बाद कपिल ने दीपा नारायण से पूछा कि दोनों बाप बेटे में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो दीपा ने उदित नारायण की तरफ इशारा किया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।